हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डी आई वाई सहेलियाँ। मैं प्रीति पटेल आज आपको पुराने पैंट से शॉर्ट्स और पर्स बनाना सिखाऊंगी। आज मैं ये वीडियो हिंदी में कर रही हूँ। तो ये जीन्स का 36 इंच का पैंट है जो यहाँ से फट गया है, तो उसको बाहर तो पहन नहीं सकते, तो हम उसमें से ऐसा शॉर्ट्स बना देंगे, ऐसे घर में पहनने के लिए चलेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है, ये एक ऑलरेडी शॉर्ट मेरे पास है ये साइज का, तो उसी को मैं इसके ऊपर रख लूंगी और उसका जो लेंथ है उससे करीबन 1.5 इंच में ज्यादा कट करूंगी। तो ये 22 इंच है, तो मैं इसको 24 से कट कर दूंगी क्योंकि हमें अंदर फोल्ड करने के लिए भी चाहिए। तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। याद रखें कि जींस को काटने के लिए आपका सीजर अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो इसको हम ऐसे मशीन के ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये शॉर्ट्स रेडी हो गया है। नीचे से हमने ऐसे फोल्ड किया है दोनों साइड से, और ये जो फटा था वहां हमने जिगजैग लाइनिंग जैसा कर दिया है, तो ये पहनने के लिए रेडी हो गया है। ऊपर का जो पोर्शन रहता है उसमें से तो हम शॉर्ट्स बना लेते हैं, लेकिन जो नीचे का पांव का पोर्शन रहता है तो यूजलेस हो जाता है, तो उसमें से हम आज पर्स बनाएंगे, टोटे बैग भी उसको बोलते हैं। और दूसरा जो एक लेग था उसमें से मैंने ये डाइनिंग टेबल के ऊपर रखने के लिए, ये गरम गरम तपेला है, कुछ भी गरम पात्र रखने के लिए ये मैट बनाया है। तो ये जो है उसमें से हम पर्स बनाएंगे, टोटे बैग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे और दूसरे पांव का ऐसा ये पीस मेरे पास पड़ा है उसको हम ऐसे बीच में रख देंगे सेंटर में, और इसको ऐसे फोल्ड करके ऊपर से ऐसे फ्लैप कर देंगे। तो ये हमने अंदर फिट करने का एक पॉकेट बना लिया है जिसको हम यहाँ रख के फिट कर देंगे। इसको ऐसे यहाँ से ऐसे फोल्ड करके फिट करेंगे, और एक कट हमने यहाँ दे दिया है तो उससे भी हमारा एक पॉकेट हो गया। तो अब हमारे पास 1, 2, 3, 4 और ये 5 पॉकेट वाला ये पर्स तैयार हो जाएगा। उसको यहाँ फिर ऊपर से ऐसे फ्लैप कर देंगे। तो अब सब स्टिच करके रेडी हो गया है, ये हमने ऊपर बंद करने का फ्लैप बनाया है। अब हम तीनों पॉकेट को जॉइंट करेंगे। या तो आप यहाँ बीच में रख के ऐसा फोल्ड कर सकते हो, या फिर टू मेक इट मोर सेफ्टी मैं इसको इसके अंदर डाल के फिट करूँगी। ये जीन्स है तो इतना मोटा कपड़ा ये मामूली स्विंग मशीन के ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, तो मैं थोड़ी हाथ सिलाई भी करती हूँ। तो मैं अब हाथ सिलाई करके सब तीनों पार्ट फिट करके 5 पॉकेट वाला टोटे बैग बनाऊंगी। तो इसको ऐसा हम फिट कर देंगे। ये हाथ से करना पड़ेगा क्योंकि मशीन इसके ऊपर नहीं चला सकते। तो फ्रेंड्स, हमारा टोट बैग रेडी है। आपको अगर मेरा ये आइडिया अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल सुपर सहेलियाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।